सलार के अबू ने जैन को कहा कि अगर आप ईमान को सलार से खोना चाहते हैं तो आप मेरा साथ दें। अब जो सलार का अबू है वो ईमान को सलार से दूर करने वाला है और जो जैन है वो भी यही चाहता है कि जो ईमान है वो मेरे पास आ जाए, सलार के पास ना रहे। तो दोस्तों अब देखें, जो जैन है वो तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जो ईमान है वो सलार को छोड़ दे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका सलार को पता चलता है, वो मजबूर होकर ईमान को छोड़ देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या वाकई सलार ईमान को छोड़ देगा या नहीं छोड़ेगा। आज की वीडियो में आपको इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड के बारे में बताऊंगा कि आने वाले एपिसोड में आपको कौन कौन से सीन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों गुजारिश है, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो की तरफ चलते, जमील ने ईमान की बहन को तलाक का नोटिस भेज दिया है। अब ईमान की बहन बहुत ही ज्यादा परेशान है कि जमील ने ये क्या कर दिया है, मैं तो वैसे ही कह रही थी अगर मैं ये वाली बात कहूंगी तो जमील ठीक हो जाएगा, लेकिन जमील ने तो मुझे तलाक देने का सोच ही लिया है। अब ये वाली बात सोचकर ईमान की बहन बहुत ही ज्यादा परेशान है कि अब मेरा क्या होगा। तो दोस्तों देखें, जमील जो है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपनी बीवी को क्या अपने बच्चों तक छोड़ सकता है। तो दोस्तों अब देखें, जमील की जो कहानी थी वो तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन जो सलार के साथ और जो ईमान के साथ होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। वो कौन करने वाला है? जो सलार का अब्बू है वो ईमान को बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है और जो जैन है वो भी ईमान को और सलार को दोनों को परेशान करेंगे। अब जो सलार का अबू है और जो जैन है वो दोनों एक हो चुके हैं और दोनों यही चाहते हैं ईमान और सलार दोनों दूर हो जाएं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सलार ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसे पता चल गया है कि जो जैन है और जो मेरा अबू है वो यही चाहते हैं इन दोनों को दूर कर दें। अब जो सालार है वह बहुत ही ज्यादा इन दोनों पर नजर रख रहा है, जिस तरह ये दोनों काम कर रहे हैं। और सालार ने जैन को यह भी कह दिया था कि आप ईमान से दूर हैं तो बेहतर है, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब जो जैन है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी जो कोशिश है वो नाकाम हो जाएगी और जो सालार का अबू है उसकी भी कोशिश नाकाम हो जाएगी। तो दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, आने वाले एपिसोड में आपको ऐसे ही सीन देखने को मिलने वाले हैं। गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो मिलते हैं जी, अल्लाह।